हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स सपोर्ट। आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी जो 23 से 60 साल की महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है, जो कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी उनके द्वारा चलाई जा रही है सभी बहनों के लिए। तो दोस्तों उसके लिए अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और दोस्तों आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और उसमें अगर आपका अभी भी DBT लिंक नहीं है तो उसकी जानकारी उसकी ज़रूरी सूचना है सभी बहनों के लिए, लिंक है तो भी उनके लिए भी सभी बहनों के लिए ज़रूरी सूचना है, बड़ी अपडेट है। सभी को ए फुल वीडियो देखना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाली बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कैसे क्या जानकारी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि जो है आज DBT लिंक के अपने बैंक खाते से DBT लिंक करने की आज लास्ट डेट है। तो जिन बहनों को 1 रुपया मिला है या जिनको नहीं मिला है तो वो PTO फुल वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना है और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। तो जिन बहनों को 1 रुपया मिला है खाते में तो उनको ज़रूरी सूचना ये है कि जिनके बहनों के खाते में 1 रुपया मिला है उनको अपने खाते को एक्टिवेट कराना है, अपने खाते को चेक करना है, एक बार कैश डिपॉजिट करना, उसमें कुछ पैसा डालना है और कुछ कैश जो है विड्रॉल कर लेना है, कुछ पैसे उस खाते से निकाल लेना है जिससे आपका खाता एक्टिवेट रहेगा, ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो आपका पैसा तुरंत ही आपके खाते में जैसे ही 10 तारीख को पैसा डलेगा तो आपके खाते में आ जाएगा। और आपको चेक करना है आपका खाता है इनएक्टिव तो नहीं है, होल्ड तो नहीं लगा है, सारी जानकारी आपको चेक कर लेना है अगर आपके खाते में 1 रुपये आ गया है तब भी। और दोस्तों जिनके खाते में 1 रुपये नहीं आया उनके लिए बहुत ही बड़ी सूचना, बड़ा अपडेट है, अगर ये काम आपने नहीं किया तो आपको 1,000 रुपये नहीं मिलेगा। तो जिनके खाते में 1 रुपये नहीं आया है और DBT लिंक नहीं है खाते से तो उनके लिए बड़ी सूचना ये है कि आज जो है लास्ट डेट है, आज रविवार है, फिर भी आज जो है सभी बैंक हैं जितनी भी बैंक हैं चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कोई भी बैंक है, सारी बैंक हैं आज रविवार को भी ओपन रहेंगी खुलेंगी। तो आप जल्दी से जल्दी जाएँ और आज आप अपने खाते से DBT लिंक कराएं। आज जो है लास्ट डेट है तो आज जल्दी से जल्दी जाएं क्योंकि आज जो है लास्ट डेट है तो आज भीड़ बहुत रहने वाली है बैंकों में, तो आपको जल्दी से जल्दी जाना है और अपना जो है DBT लिंक कराना है। उससे पहले आपको चेक किस प्रकार करना है चलिए आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपका DBT लिंक और आप फालतू में परेशान हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले पूरी रामपुर वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको फैसला लेना है कि मेरा DBT लिंक है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है DBT लिंक स्टेटस चेक करने के लिए। और आपका 1 रुपये नहीं हुआ तो आपकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। हो सकता है आपका 1 रुपये आया हो और आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं और आपको पता नहीं है, हो सकता है आपके खाते से नंबर लिंक नहीं, इस कारण से आपको मैसेज नहीं आया है, तो आपको वो संपूर्ण डिटेल आपको चेक करके बताना है। और आपको आज लास्ट डेट है तो अगर आपको वो सब जानकारी आपके खाते से लिंक नहीं है, आपको इस प्रकार का मैसेज नहीं आया है, डिटेल नहीं है, तो आपको फिर जाके जो है DBT लिंक कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको न्यूट्यूब पर आना है। न्यूट्यूब पर आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है DBT सर्च करके यहाँ पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, तो फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट आ रहा है उस पर आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको देख सकते हैं इस प्रकार की वेबसाइट पर पहुँचा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आधार कार्ड की साइट पर पहुँचा दिया जाएगा। आधार कार्ड की साइट पर पहुंचने के बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP पहुंचने के बाद आपको OTP से डालना और सिंपली सबमिट कर देना है। चलिए दोस्तों सभी डिटेल इसमें बताते हैं। चलिए दोस्तों तो OTP आ चुका है, सिंपली मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अनवाल OTP या कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, तो आपको फिर से ट्राई करना है। जैसे आप ट्राई करेंगे तो आपके सामने आपका बैंक का नाम, आपका जो है बैंक का नाम लिख के आएगा, आपकी बैंक
एक्टिवेट आपका सॉरी दोस्तों बैंक सीडिंग की डेट लिख के आएगी, उसमें कौन सी तारीख है और आपका जो है एक्टिव इनएक्टिव लिख के आएगा और आपका दोस्तों आधार नंबर लिख के आएगा। तो इस प्रकार का आएगा, तो जो भी बैंक का नाम आपको लिख के आया है उस बैंक का आपको मिनी स्टेटमेंट निकलवाना है किसी भी कैफे पर जाके या ATM द्वारा, आप कहीं भी बैंक में जाके अपना मिनी स्टेटमेंट निकलवाना है। उसमें आपको देखना है कि आपको 1 रुपये मिला है या नहीं मिला है। तो अगर आपका यहाँ पर खाता बताता है तो आपको उस खाते को चेक करा लेना है, होल्ड तो नहीं लगा है, इनवेक्टिव तो नहीं है। अगर आपका यहाँ पर नहीं बताता है तो उस स्थिति में आपको आज जाना है और आपका DBT जो है लिंक करवाना अनिवार्य है, क्योंकि आज जो है लास्ट डेट है। और आप मिनी स्टेटमेंट लगाएंगे तो उसमें किस प्रकार का आपका 1 रुपया दिखाई देगा, चलिए आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है मिनी स्टेटमेंट आप निकालेंगे तो कुछ उस प्रकार का आपको दिखाई देना। देख सकते हैं 2 जून 2023 को 1 रुपये आया है बाय ट्रांसफ़र, PFM नंबर दिया और लाली बहना पेमेंट, तो 1 रुपये क्रेडिट यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार का आपका जो है 1 रुपये का आपको मिनी स्टेटमेंट दिखाई देगा। तो ऐसा अगर आपको इस प्रकार का दिखाई देता है आप उसी खाते को होल्ड वगैरह आपको चेक करा लेना है, नेगेटिव तो नहीं है, 1-2 बार ट्रांजेक्शन कर लेना है, बहुत दिनों से नहीं हुई है तो आपका जो है पैसा आपके खाते में ज़रूर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय।